ओके सो यार, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे को इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी होगी। लेकिन यार कहते हैं ना कि इंसान जो सोचता है ज़रूरी नहीं है कि वही हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि तुम लोगों को कॉन्फ़िग फाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे तुम लोग की आईडी बैन हो जाती है और तुम लोगों को आगे चल के काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को वहाँ पर कॉमेंट आने लगे कि भाई तू ज्ञान अपन को मत दे, तू भाई बस एक बार लिंक दे दे, तूने मतलब आज तक जितने भी लिंक्स दिए हैं ना वो 110% वर्क किए हैं, इसलिए तू भाई ये हमको एक बार लिंक दे दे, हम लोग सिर्फ इंजॉय करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करना चाहते, देखना चाहते कॉन्फ़िग फाइल कैसे यूज़ होता है और अपन लोग उससे कितने परसेंट तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यार हेयर इट इज़ वीडियो, तो वीडियो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बना दिया। हालांकि काफ़ी दिक्कतें आई मेरे को वीडियो में, और अगर वीडियो को देखने में भी कोई दिक्कत आ रही है तुम लोग को तो उसके लिए भी मैं सॉरी चाहता हूँ, तुम लोगों से हाथ जोड़कर पैर जोड़कर माफ़ी मांग लेता हूँ। तो इस वीडियो में तुम लोगों को मैं कॉन्फ़िग फाइल की लिंक तो दे दूंगा और तुम लोगों को बता दूंगा तुम लोगों को इसको यूज़ भी कैसे करना है। तो सिंपली ये जो लिंक है ना वो मीडिया फाइल की है और गारंटीड चलती है, तो तुम लोग में से एक आध बंदा जो सबसे पहले देख रहा है तो वो डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके यूज़ करके कॉमेंट कर देना, ताकि उसके कॉमेंट को मैं पिन कर दूँ, ताकि जो भी बाकी बंदे वीडियो देखें उन लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ भाई ये जो है लिंक वर्क करती है। लेकिन अगर किसी वजह से तुम लोगों के मोबाइल में लिंक वर्क नहीं करती तो क्या प्रॉब्लम आती है वो मेरे को कमेंट कर देना, नहीं तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना, क्योंकि कई कई बार अपनी स्टोरेज में कुछ इश्यूज वगैरह या ग्लिच वगैरह हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा कोई अपन लोग बाहर से एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेबसाइट से कोई भी फाइल डाउनलोड करें ना तो वो अपने मोबाइल में वर्क नहीं करती। तो इतने सब स्टेप्स को फॉलो कर लेना, गारंटीड ये लिंक वर्क करेगी। तो अभी सिंपली तुम लोग को डिस्क्रिप्शन की लिंक से मीडिया फायर से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। फाइल को डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों को इसको कॉपी कर लेना है, फाइल मैनेजर में जाके कॉपी करने के बाद तुम लोगों को जो अपने इंटरनल स्टोरेज के फोल्डर में आके एंड्रॉइड में जाके OBB जो फोल्डर होता है ना गेम का उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद वहां से भी इसको कॉपी करना है, कट कहीं से भी मत करना, इसको कॉपी करना एंड्रॉइड के मतलब जो जहां से पहले इंटरनल स्टोरेज उसके बाद एंड्रॉइड उसके बाद यहां वहां पर एक डेटा वगैरह का ऑप्शन होता है वहां पे भी जाके इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को मेन बात आती है, तुम लोगों को सबसे पहले अपने फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स कोई भी खेलते हो ना दोनों में ये फाइल चलेगी, तुम लोगों को सिंपली उसका क्लियर डेटा करना है। हाँ तुम लोगों को क्लियर डेटा करना है। क्लियर डेटा करने के बाद तुम लोगों को एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अगर तुम्हारा फ़ोन जो है अच्छी कंडीशन में हुआ, स्टेबल कंडीशन में हुआ, तो ये फाइल तुम लोगों की गारंटीड वर्क करेगी। अगर स्टेबल कंडीशन में नहीं हुआ तो कभी कभी इसमें दिक्कत आती है, तो बाकी मैं तो नहीं बोलूँगा कि इस फाइल को यूज़ करो क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें तुम लोगों को आएगी, इससे कोई भी इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग लैग इससे इतनी ज्यादा फिक्शन नहीं होती, ना ही तुम लोग के हेडशॉट वगैरह लगते हैं, ये सब दोगलापन है जो भी यूट्यूबर बोलते हैं ना कि इससे लैग फिक्स वगैरह होगा, तो भाई इससे कुछ नहीं होता, ये सब दोगलापन है। एक बार फोन को रीसेट कर लो तुम लोग की सभी प्रॉब्लम्स जो है गारंटीड सॉल्व हो जाएंगी अगर तुम लोगों का फोन एक अच्छी कंडीशन में है तो। बाकी इसको डाउनलोड कर सकते हो, इससे आईडी बैन होती है, हाँ मेरे भाई होती ही होती है गारंटीड है, मेरे से लिखवा के ले लो तुम लोगों की आईडी कुछ ही दिनों में बैन हो जाएगी अगर इसको यूज करोगे तो, क्योंकि ये एक सस्ता है कि अभी बोल सकते हो सस्ती फाइल है। मैं भाई लाखों करोड़ों की फाइल तो लेके मतलब तुम लोगों को लेकर दे नहीं सकता, जैसे कि वाइट 444 यूज़ करता है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता वाइट 444 फाइल यूज़ करता है, लेकिन अगर यूज़ करता हुआ तो इतना पैसा है उसके पास कि वो महंगी फाइल यूज़ करेगा। तो होप करता हूँ सब कुछ समझ में आ गएगा, ये एक सस्ती सी फाइल है जो कि 4-5 MB के अराउंड है, इससे तुम लोगों की आईडी को खतरा है। तो मैं तो यही बोलूँगा इसको मत यूज़ करो, एकदम फेयर गेम प्ले करो अगर करना चाहते हो, नहीं तो कोई और गेम खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो होप करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दियो और देश को संभालो यार, देश का नाम रोशन करो, गेम में कुछ नहीं रखा।